बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं हरा धनिया भी आ गया, उसको भी मैंने रेडी कर लिया। और अब हम अपना शुरू करते हैं पकाना स्टार्ट। ये देखिए मसाले मैंने इस तरह रखे हुए सेट, ताकि जो जो मुझे रोज के इस्तेमाल होते हैं। देखें, कुछ मसाले ऐसे होते हैं जो हर सालन में तकरीबन एक ही चीजें रखते हैं। हर आप कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें ये मसाले जो है वो मस्ट होते हैं, तो वो मैंने एक ही में कर दिए हैं, ताकि मुझे बहुत ही जल्दी फास्ट कुकिंग मुझे करनी होती है। तो इसलिए ये सॉल्ट है, ये हल्दी पाउडर है, ये चिली फ्लेक्स है यानी कुटी हुई लाल मिर्च है, ये लाल मिर्च किसी भी मैंने रखी है इसमें, जीरा पाउडर रखा है और धनिया पाउडर रखा है, ये हल्दी पाउडर है, और ये मैंने रखा है इसमें एक जगह खटाई पाउडर। अगर आप चाहें तो इस खटाई पाउडर की जगह गर्म मसाला पाउडर रख सकते हैं। तो ये पाँच मेन इन्ग्रीडियंट्स हैं, मतलब मसाले हैं छः, ये मस्ट है जो हर सालन में हर सब्जी में तकरीबन यही आगे पीछे करके डलते हैं। तो इसलिए मैंने उनको एक ही जगह रख लिया है, ताकि मैं जल्दी से खोलूं और मैं जल्दी सब चीज़ें डाल दूँ। तो अभी जो सब्ज़ी में सेम वाली सब्ज़ी में जो डलेगा वो नमक डलेगा, हल्दी पाउडर डलेगा, कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी और पीसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डालूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ पे डालूंगी जीरा पाउडर। सब्जी में मैं धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बस सिर्फ ये चीज़ें डालूंगी मैं, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च, जीरा पाउडर और नमक। ये सब डालने के बाद मिर्च ऐड करूंगी बस, और कुछ नहीं। चलिए चलते हैं पकाने की। सबसे पहले आप ऑयल डालेंगे, हाफ कप ऑयल, और ऑयल डालने के बाद आप ये डालेंगे इसमें थोड़ी सी प्याज, प्याज को आपने थोड़ा सा लाइट ब्राउन करना है, हल्का गुलाबी करना है प्याज को, डार्क ब्राउन नहीं करना है आपको, बहुत हल्का गुलाबी, मीडियम आंच मैंने रखी हुई है इस वक्त।
ताकि ये जल्दी हो जाए। जैसे ही प्याज हल्की गुलाबी होगी तो हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन, बहुत कम अदरक लहसुन डलेगा, 1 टीस्पून बस। बस ये हल्की गुलाबी हो आपने इसमें फौरन अदरक लहसुन डालना है। एक से दो मिनट सौते करने के बाद आपने इसमें आलू और सेम ऐड कर देनी है। आलू और सेम डालने के बाद आपने इसमें ये तमाम मसाले ऐड करने हैं, जिसमें नमक है हाफ, नमक आप 1/2 टीस्पून लेंगे पहले, और उसके बाद अगर कम लगे तो आखिर में डाल दीजिएगा। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ये 1 पाव मैंने सेम ली है और 1 पाव समझ में जब आलू है। हल्दी डाली मैंने 1/2 टीस्पून, 1/4 टीस्पून मैंने पुदी लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून मैंने लाल मिर्च पिसी ली, और ये है जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून एंड दैट्स इट। ये है काली मिर्च, ये मैं डाल रही हूँ। इसमें आपने डालना है थोड़ा सा पानी। और ये 1/2 कप, 1.5 कप मैंने इसमें पानी डाला है। 1.5 कप पानी डाल के इसको आप ढक दें मीडियम आंच पे, और 10 मिनट के बाद हम इसमें टमाटर और ये सब ऐड करेंगे। 10 मिनट के बाद ये देखिए हमारा 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट में ये अच्छी खासी गलने पे आ गए हैं दोनों चीजें, आलू और सेम। और इस पॉइंट पर हम डालेंगे टमाटर, और हरी मिर्ची। टमाटर और हरी मिर्ची डालने के बाद अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है, और अभी आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा पानी है इसमें, तो उसी आंच पे आपने आंच को कम ज़्यादा नहीं करनी है, आंच वही रखनी है। टमाटर भी अपना पानी छोड़ेंगे तो उसी में ये पूरी पक के तैयार हो जाएगी ठीक 10 मिनट बाद। तो ये आप मीडियम आंच रखेंगे, और उसके बाद आप देखेंगे 10 मिनट बाद चेक करेंगे, अगर पानी हुआ तो उसको आप तेज आँच करके खुश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे 10 मिनट के बाद हम चेक करेंगे कि अब इसकी क्या पोजीशन है। अभी ये 10 मिनट तक मजीद पकेगी। चलिए जी, जो हम देख लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं, और ये देखें कितना ड्राई हो चुकी है सब्जी, और ये गल भी चुकी है, पानी इसका ड्राई हो चुका है और ये अब बिल्कुल पकने के करीब है। 5 मिनट आप इसे और दम पे रखेंगे तो ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। और इसमें हरा धनिया डाल दें अगर आपको अच्छा लगता है, ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है अगर आप नहीं भी डालें तो। 5 मिनट में ये सब्जी बिल्कुल तैयार है, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं, ये देखें 5 मिनट हो चुके हैं और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही ये मज़े की बनती है, और जो ये सीज़न होता है ये बहुत कम आती है ये वाली सेम, और ये इसी सीज़न में आती है विंटर सीज़न, तो आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़े की लगती है ये वाली सब्जी। उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड गुड बाय।